थर्टी सिक्सटी नाइनटी कुछ या, करा याद आ गया सर याद आ गया सर उसका तो right. यहाँ पे लिख देता हूँ फाइव रूट फिफ्टीन अरे सर तो ऑप्शन के तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि रूट थ्री और रूट फिफ्टीन वाला ही कॉम्बो होना चाहिए तो route 5, route को तो को ऐसे ही हटा देना चाहिए ऑप्शन नंबर टू और थ्री तो नहीं होगा नमस्कार जनता मैं एंटरटेनर कुमार विद्यार्थी अर्जुन के रूप में मैं एंटरटेनर नितिन गुरु द्रोणाचार्य के रूप में आपके लिए लेके है कैट 2021 के स्लॉट थ्री से एक मजेदार सवाल जो कि के क्वार्रीलेटरलोग्राम से लिया गया सर ये दोनों सिमिलर साउंडिंग दिख रहा है मुझे इसमें क्या आपने अलग अलग कर रखा है पैरलोग्राम इज एक्चुअली तो देख रहे हो ये शब्दों के साथ खेला जा रहा है जो चाचा है वही भतीजा है जो भतीजा वही चाचा है शाबी तो चलो देखते हैं इसको बना करके कि कितना मजा आता है इसमें क्या कुछ ट्रिक है या बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड जियोमेट्रिक का तो सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा इसको प्लीज आगे सॉल्यूशन देखने के पहले पॉज मारिए और इसको अटेम्प्ट करिए तीन से पांच मिनट वापस आने के बाद रिज्यूम करके सॉल्यूशन देखिएगा सवाल को और पढ़ा जाए और बनाया जाए सर पहली बात तो मैं ऑप्शन देख के मेरे को घबराहट हो रही है कि इसमें बहुत कैलकुलेशन होने वाला है तो मैं तो इसका पतली गली कर दूंगा सर आई थिंक वो सही होगा क्योंकि अगर इस तरह के ऑप्शंस रहते हैं जब रूट्स रूटनल होते हैं ना तो कई बार होता है कि हमारा दिमाग सोचने लगता है यार इसको यारोल्व करके अब रूट्स वगैरह आएंगे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है बिल्कुल सही सर तो मैं आऊंगा वापस आऊंगा वापस आकर के उसको अटेम्प्ट करूंगा लेकिन पहली बार में तो मैं भाग जाऊंगा तो स्टार्ट करें तो चलो लेकिन हम तो भाग नहीं सकते तो क्यों ना हम इसको स्टार्ट करके सोल्व कर दे सर सो लेट ए बी बी सी डी अ पैरेललोग्राम तो क्या करें पहले पहले तो चित्र बनाएंगे हम दैट्स राइट right. तो मेरे पास एक पॉइंट है ए बी सी डी और ये पैरलो ग्राम बन गया बहुत ही सुंदर सो द लेंथ ऑफ द साइड ए डी एंड डायगोनल्स ए सी आर

सकता हूँ हाँ सर लेकिन पेरोग्राम में क्या होता है ठीक okay. है और एक ट्राइंगल का एरिया क्या होता है हाफ ए बी साइन थीटा अगर ये ट्राइंगल है ये साइड ए है ये साइड बी है और इनके बीच का एंगल क्या होता है थीटा तो एरिया ऑफ ए ट्राइंगल इज वॉट हाफ ए बी साइन थीटा यस सर हाफ ए बी साइन टीट ट्राइंगल होता है और आपने बताया ए बी साइन डेटा पैरोलोग्राम होता है हाँ. लेकिन दोनों के बीच का रिश्ता मुझे नीचे जब मैं डायगनल ड्रॉ करता हूँ तो ये दोनों ट्राइंगल की एरिया सेम होती है ना यस oh, yes. तो अगर एक ट्राइंगल के एरिया हाफ ए बी साइन है तो इसको टू से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ए बी साइन थीटा आ जाएगा तो दोनों जगह पे बराबर बराबर ट्राइंगल बन रहे हैं तो एरिया ओके दैट इज अनदर पैरोलोग्राम प्रॉपर्टी भाई लोग ओके सो नाउ अब जो भी हो मुझे एरिया फाइंड आउट करने के लिए थीटा तो कैलकुलेट करना होगा जय बट साइन थीटा से ज्यादा इम्पोर्टेंट है मुझे ये साइड बी कैलकुलेट करना होगा एक साइड तो टेन है और दूसरा साइड क्या है डीसी। हम्म। ये मुझे नहीं पता है तो so, इसकी पैरलोग्राम की एरिया क्या हो जाएगी कैन यू से एरिया ऑफ वन ट्राइंगल इज हाफ इन टू के इन टू टेन इंटू साइन थर्टी और इसको मल्टीप्लाई करूंगा बट hmm. तो मुझे कैलकुलेट कैलकुलेट करना ही है 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 ना बहुत जरूरी सर सर तो कैसे करेंगे के? यही चैलेंज क्या ऊपर चलो देख लेते हैं सो लेट्स परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट ओके पॉइंट ए से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ यहाँ पे एंड लेट्स टू पी ओके सो अब मुझे बताओ ये एंगल तो 90 डिग्री बन गया जय अब ट्राइंगल एडीपी में एक एंगल 30 है दूसरा एंगल 90 है तो तीसरा एंगल क्या होगा 60 60 और थर्टी सिक्सटी नाइनटी को रेशो होती है याद आ गया सर याद आ गया देखो मैं इतनी बार भी ये क्वेश्चन सोल्व करता हूँ मैं हर बार लिखता हूँ ना लेकिन ये सब तुम्हें मेंटली करना होगा दैट्स राइट सो अब देखो नाइनटी के ऑपोजिट यहाँ पे लेंथ कितनी है दी हुई टेन है ये कितने टाइम्स है

उसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइव है yes, sir. Hypotenuse 20 है, yes, sir. तो पीसी आ जाएगा अरे आ जाएगा ना सर क्या होगा रूट ऑफ करण स्क्वायर माइनस लंब स्क्टी स्क्वायर फोर हंड्रेड फाइव स्क्वायर इज ट्वेंटी फाइव तो रूट ऑफ थ्री सेवेंटी फाइव सो रूट थ्री सेवेंटी फाइव यस सर और रूट थ्री सेवेंटी फाइव इज रूट ऑफ फिफ्टीन इन ट्वेंटी फाइव सो ये हो जाएगा फाइव रूट फिफ्टी फिफ्टीन सो पीसी की लेंथ आ गई फाइव रूट 15. So, यहां पे लिख देता हूं, 5 root 15. अरे सर तो ऑप्शन देख होना चाहिए तो रूट रूट तो so, <laughs> तो ठीक है यस सर सो नाउ एरिया ऑफ ए ट्राइंगल ए डी सी इज हाफ इन टू बेस विच इज फाइव रूट थ्री प्लस फाइव रूट फिफ्टीन एंड इन टू हाइट विच इज फाइव यस सर और ऐसे दो ट्राइंगल होंगे तो हाफ भी गायब हो जाएगा उसमें से यस तो इसको टू से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो टू और टू कैंसिल हो गया तो ट्वेंटी फाइव इंटू रूट थ्री प्लस रूट फिफ्टीन विच इज ऑप्शन नंबर फोर आया समझ में बिल्कुल सर समझ गया इसमें प्रॉब्लम क्या इस रहा है कि ये हाई फाइंड आउट करना ही चाह था यहाँ पे हम्म hmm. बट इसका एक और अल्टरनेटिव मेथड है और भी एक अल्टरनेट है क्या सर दैट्स राइट right. तो ये मतलब आपने घोड़ागिरी करवा दिया पहले नहीं ये ज्यादा इजी है इनफैक्ट अच्छा तो लेट्स सी अनदर अप्रोच झाड़ू लनो झाड़ू अब देखो ईडी की लेंथ क्या थी 10 और एसी की लेंथ क्या थी 20

10. बात। और 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 30 क्या होता है ये आउट हो जाएगा mm. और यहाँ से मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ बात बट यहाँ पे चैलेंज क्या है क्वाडिटिक mm. इक्वेशन बनेगा mm. देख लो इसे सॉल्व करके सो so, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा 300. 300 गए equal equal yes, सर क्योंकि यहाँ पे क्या रहा बन रहा है उसका फिर roots निकालिए और उसमें भी इेशनल आ रहा है yes, sir. तो आंसर तो इससे भी आ जाएगा mm -hmm. हो सकता है थोड़ा सा बट yes, ये यू शुड नो दिस अप्रोच ऑल्सो बिकॉज समटाइम क्या ऑपन होगा की सिंपल क्वाडेटिक

तो इसीलिए क्या कहते हैं स्वस्थ हो व्यस्त हो और मस्त रहो क्योंकि आसान है हो जाएगा टाटा बाय बाय गाइस जय हिंद म्यूजिक